गुजरात के अंदर सरदार पटेल साहब की मूर्ति लगाई गई, अगर ऐसी कुछ मूर्तियां बहुजन समाज के महान पुरुषों की लगाई जाती हैं तो पूरा देश, पूरा मीडिया उनके खिलाफ में बोलता है। लेकिन आज सरदार पटेल की मूर्ति लगाई जा रही है तो बड़े बड़े होर्डिंग्स, बैनर्स ये सब लगाए जा रहे हैं, तो ये भेदभाव क्या है, जरा उसके बारे में बताएं। आपको मैंने कहा कि ये देश बाबा साहब का है, ये देश का संविधान बाबा साहब के नाम से चलता है, देश के संविधान की देश की सरकार चलती है, प्रदेश की सरकार चलती है, नगर निगम चलता है, नगर पालिका चलती है, चेयरमैन चलती है, इस यहाँ तक कि इस देश का ग्राम प्रधान भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के तहत वो कार्य करता है। वो नहीं चाहते इस देश में दलित सोची ओबीसी समाज के लोग 85% के लोगों को देश में सम्मान मिले, क्योंकि यदि वो सम्मान देना सीख जाएंगे फिर जातिवाद देश में अपना आप ही खत्म हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी का बनना तय इसलिए तय हुआ, कांग्रेस ने लंबे समय देश में ओबीसी का शोषण किया है, दलित का शोषण किया है, मुस्लिम का शोषण हुआ है, इस देश के सब समाज के लोगों का शोषण हुआ है। जब कहीं आहट पैदा हुई तो माननीय काशीराम साहब आपके बीच में आए, माननीय काशीराम साहब ने यहाँ की जाति व्यवस्था को देखा, यहाँ की सरकारों को देखा, यहाँ के नेताओं के बारे देखा, तमाम उन्होंने रिसर्च किया, कि वह खुद में साइंटिस्ट थे, तो देखा कि आज मेरे समाज के लोग गुलाम, आज भी देश में, देश के आज़ादी के बाद मेरे समाज के लोग गुलाम हैं। तो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सही तरह से उनको पढ़ा, जाना, उनके संघर्ष को पहचान करी, उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, इस देश में माननीय बहन जी जब देश की प्रधानमंत्री बनेगी, क्योंकि जिस समाज का नेता होता है, जिस समाज का दल होता है, जिस समाज की का शासक होता है, उन्हीं समाज के लोगों का धर्म बढ़ता है, उन्हीं समाज के लोगों के उनके महापुरुषों को सम्मान मिलता है। यदि देश में बहुजन समाज की सरकार चलेगी तो बहुजन समाज के महापुरुषों को सम्मान होगा। उत्तर प्रदेश की धरती पर जब आपकी सरकार चली, बहुजन समाज पार्टी सरकार चली, हमारे दल की सरकार चली, हमारे नेता की सरकार चली, हमारे शासक की वहाँ सरकार चली, तो हजारों साल के लिए बहुजन समाज के लोगों को वहाँ इतिहास लिखा गया। और ये सत्यापित करने का काम किया कि माननीय नेते वास्तव में बहुजन समाज के मिशन को आगे दिशा देना चाहती है, अपने महापुरुषों के दिए रास्ते को आगे बढ़ाना चाहती है, जो उन्होंने दिशा दी है, माननीय मंजी उनके पद चिन्हों पर चलकर इस देश में फिर बहुजनों का समाज की सरकार बनेगी। फिर मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, यदि नेता बहन जी बनेगी तो देश में तुम्हारी महापुरुषों को पूरे देश में सम्मान मिलेगा, कि जिस समाज का शासक होता, जिस समाज का पार्टी होती, जिस समाज के दलों का नेता होता, उन्हीं समाज के लोगों का कल्याण विकास होता, उन्हीं को राजनीतिक सम्मान मिलता है, आर्थिक सम्मान मिलता है, सामाजिक सम्मान मिलता है और धार्मिक सम्मान मिलता है, उन्हीं को मिलता है जिनका शासक होता है। यदि देश में यदि सम्राट अशोक आए बीच में तो पूरा देश बोध में, पूरा विश्व बोध में हुआ। वो जब ही हुआ कि तकादत बांधने वाले लोग शासक देश में आए, तो मैं कहना है जब बहन जी देश में आएंगी, सब धर्मों के कल्याण विकास के साथ साथ ये देश द्वारा बोध में बनेगा, ये देश पूरा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के तहत चलेगा, इस संविधान की रक्षा भी होगी, हिफाजत भी होगी, इसको दिशा भी देने का काम माननीय बहन कुमारी मावती जी करने का काम करेगी।